हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आज मैं आपको बताऊंगी चंद्र ग्रहण कैसे एनिमेट किया जाता है। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर पॉइंट खोलना होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना है। और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और जैसे ही ओपन किया है, यहाँ पे आप देख लोगे एक पेज ओपन दिख रहा है आपको, एक स्लाइड दिख रही है। और इस स्लाइड में आपको कलर ब्लैक करना है। तो उसके लिए आपको डिज़ाइन में आना है। और डिज़ाइन में आने के बाद आप साइड से बैकग्राउंड स्टाइल में जाके इसको ब्लैक कर देंगे। तो ये स्क्रीन जो है आपकी ब्लैक हो चुकी है, यानी कि स्लाइड जो है ब्लैक हो चुकी है। अब क्योंकि हमें चंद्र ग्रहण बनाना है, यानी मून इक्लिप्स बनाना है, तो इसके लिए हमें एक चाँद भी बनाना होगा। तो चाँद बनाने के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन में आपको आना है और शेप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक राउंड शेप आपको ले लेनी है। देखिए, इस तरह से एक राउंड शेप मैंने ले ली है। और इस शेप को आपको वाइट करना है। तो इसके लिए आपको ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट में आना है और यहाँ से शेप फिल में जाना है और उसके बाद वाइट कलर कर देना है। आउटलाइन को भी अगर आप वाइट कर देंगे या फिर नो आउटलाइन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इसे आउटलाइन कर दिया है, आउटलाइन को वाइट कर दिया है। इसके बाद शेप इफेक्ट में भी आप जाएंगे और यहाँ से इसके एजेस को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो सॉफ्ट करने से क्या होगा कि थोड़ा सा ये हमारा चंद्रग्रहण जैसा जो लगता है, थोड़े इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगे, थोड़े ब्लर दिखेंगे। तो यहाँ से मैंने हल्का सा इसको ब्लर कर दिया है और इसे थोड़ा सा मैंने सेंटर में रख लिया है। इसके बाद आपको जो हमारा चंद्रग्रहण होता है, तो पृथ्वी की परछाई उस पर पड़ती है, तो उस परछाई को भी बनाना है जो कि राउंड शेप में होगी। तो इसी का ही हम डुप्लीकेट लेते हैं। और डुप्लीकेट लेने के लिए मैंने कंट्रोल डी कर दिया है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आ जाता है। देखिए, आप डुप्लीकेट ये आ चुका है। और इसमें हम कलर डालेंगे ब्लैक। तो ब्लैक कलर डालने के लिए आपको फिर से शेप फिल में आना है और इसमें आपको ब्लैक कलर डाल देना है। और ब्लैक कलर डालने के बाद थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे। जैसे ही इसे फॉर्मेट शेप में जाएंगे तो यहाँ से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें नीचे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसे हल्का सा आप इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ा सा हम चाँद के ऊपर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल्का ट्रांसपेरेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक फिर से करना है और फॉर्मेट शेप में जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी शेडो ऑप्शन में जाना है। शेडो ऑप्शन में आप इसका जो एजेस है उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी कि जो हमारा ब्लर होगा वो चीज़ हमारी थोड़ी सी, जो इसके एजेस हैं थोड़े से ब्लर दिखाई देने चाहिए। तो ब्लर को थोड़ा सा हम इस तरह से डार्क कर लेते हैं। हल्का सा मैंने डार्क किया है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। और इसके जो साइज़ हैं इसको थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हल्का हल्का सा शेडिंग भी दिख रही है और ब्लर भी दिख रहा है। और इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप देख रहे होंगे, देखिए हल्का सा ब्लर दिख रहा है और हल्का सा लाइट कलर का भी दिख रहा है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए हम एनिमेशन ऑप्शन में जाएंगे और एनिमेशन में जाने के बाद कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। कस्टम एनिमेशन में क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे साइड में कुछ इफेक्ट आ रखे हैं। तो इस ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहां पे मोशंस पाथ में जाएंगे। मोशंस पाथ में जाने के बाद यहां पे हम ड्रॉ कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ कस्टम पाथ पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे कर्व में क्लिक करेंगे। कर्व जो होता है लाइन को थोड़ा सा मोड़ता है और इसको हम इस तरह से देखिए कर्व कर रहे हैं। तो देखिए कर्व, ये देखिए कर्व हो रहा है, आप देख लोगे ये कर्व हो रहा है। तो फिलहाल तो मुझे अभी ऐसे कर्व नहीं करना है, मैंने सिर्फ अभी आपको बताया है। तो इसे तो फिलहाल तो अभी हमें रिमूव करना है। तो रिमूव, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और इसको दोबारा से हम कर्व करते हैं। और दोबारा से कर्व करने के लिए फिर से मोशंस पाथ में आते हैं और ड्रॉ कस्टम पाथ में आएंगे और इसके बाद कर्व में आएंगे। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा, मतलब कर्व करके थोड़ा सा घुमा के इसको मैं सेट करूँगी और डबल क्लिक करके छोड़ देती हूँ। तो आप देख लोगे थोड़ा सा जो मून है हमारा किस तरह से जा रहा है। देखिए फिर से प्ले करते हैं हम इसको, थोड़ा सा अभी प्रोसेस में है। और इसे देखिए प्ले करती हूँ तो देखिए इस तरह से जा रहा है। तो ये अभी मतलब लग नहीं रहा है कि चंद्रग्रहण है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो हमारा ये मून है इसको थोड़ा सा हमें इसे ऊपर करना होगा। तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको मैं इस तरह से ऊपर रख लेती हूँ। और जो हमारा
जो इसका मैंने पास बनाया था इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा नीचे किया, मैंने ज़्यादा नीचे नहीं किया है। और इसके बाद अब हम इसे प्ले करके देखते हैं और तो कैसा दिखता है देख लेते हैं। अब तो देखिए ये हमारा जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पाथ मैं इसका चेंज कर देती हूँ, हल्का सा मुझे इसका पाथ नीचे को लाना है, तो मैं इसको नीचे को ले आती हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से नीचे को ले आती हूँ, इस तरह से ले आती हूँ। और अब इसका थोड़ा सा टाइमिंग कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो यहाँ से हम स्पीड में जाएंगे और साइड से हम इसे वेरी स्लो कर देते हैं। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगी, सॉरी इसके नीचे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा माउस बना है, वन लिखा हुआ है, तो इसको हम ओवल फोर भी लिखा हुआ है, आपने देखा होगा साइड में यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे टाइमिंग का एक ऑप्शन आता है, इस पर टाइमिंग पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद डिले में मैं 1 सेकंड कर देती हूँ, 0 सेकंड है तो थोड़ा 1 सेकंड कर देते हैं। और जो स्लो है इसका टाइम है, इसको 5 सेकंड है, वेरी स्लो 5 होता है, तो मैं 5 की जगह इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत स्लो चाहिए, तो इसे मैं 8 कर देती हूँ और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं इसे एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं हम इसे, तो देखिए धीरे 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 हमारा जो है चंद्रग्रहण जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, लेकिन दिख तो रहा है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसे नीचे को लेके लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं नीचे को और ले लेती हूँ, इसका पाथ को नीचे को ले लेती हूँ, यहाँ से इस तरह से ले लेती हूँ, और सेंटर को थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि हमारा इधर से आके थोड़ा सा इस तरह से घूमेगा, और थोड़ा सा मैं इसे रोटेट भी कर देती हूँ। रोटेट करके ये होगा कि थोड़ा सा लगेगा कि हमारा चंद्रग्रहण जैसा दिखना चाहिए। अब प्ले करके फिर से देखते हैं, तो देखिए ये हमारा जो है चंद्रग्रहण धीरे 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 आया और हमारा यहाँ परछाई जाके गायब हो गई। और अब इसे ज़रा प्ले करके भी देख लेते हैं, तो देखिए स्लाइड्स को मैं करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से ये हमारा जो है चंद्रग्रहण दिखाई दे रहा है और ये हमारा वापस चले गया। तो ये हमारा जो चंद्रग्रहण है वो हमने डिज़ाइन भी किया है, उसे एनिमेट भी किया है, और इसको थोड़ा सा हम इधर को ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो परछाई है वो वापस आ रही है तो अच्छी नहीं लग रही है। तो ये तो हमारा सिंपल सा एक चंद्रग्रहण हो गया है, इसी को ही हम थोड़ा सा ओरिजिनल जैसा भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।